गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैविंग लर्नड अबाउट द माउंटेन्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3, टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन प्लेट्यू। ओके, प्लेट्यू मीन्स पठार। A plateau or tableland is a high land with a flat top. It rises abruptly from the surrounding land, so it has steep slopes. Many rivers and streams flow through plateaus. So students, plateau ये पठार है जो कि समतल एरिया मैदानी भाग से ऊंचाई पे होती है। ओके, ऊंचाई पे होती है और ऊपर में एकदम प्लेन होता है। ओके, लोगों की बसाहट होती है एंड सारा कुछ होता है। ओके, और इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। ओके, टेबल लैंड भी कहा जाता है। इट राइसेस अप्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, ये आसपास की ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे होती है। ओके, सो इट हैज़ स्टीप स्लोप्स, इसलिए इसकी जो ढलान होती है ना, थोड़ा वो सकरा स्लोप होती है। ओके, सकरा स्लोप होती है, स्टीप स्लोप। ओके, चोटी की स्लोप की आकार तरह होती है। ओके, मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज पठार के थ्रू से कई नदियाँ और कई नाले बहती हैं। ओके, स्ट्रीम्स मीन्स जो छोटी छोटी नाला होता है। ओके, उसको कहते हैं स्ट्रीम्स। सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और कुछ पठार जो हैं बहुत ही बड़े होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक वो फैला रहता है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए हमारे भारत देश में डेक्कन प्लेट्यू है जिसको दक्षिण का पठार कहा जाता है। ओके, उसके बाद में ये तिब्बतियन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, और तिब्बतियन पठार जो कि तिब्बत में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। ओके, देन इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑन ऑल साइड्स, और ये तिब्बतियन पठार जो है ये चारों तरफ से पहाड़ की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ओके, और दूसरा एग्जांपल है, अदर एग्जांपल्स आर द कोलोराडो प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका एंड द बोलीवियन प्लेट्यू इन द साउथ अमेरिका। तो इसी तरह से अलग एग्जांपल है कोलोराडो एक प्लेट्यू जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और बोलीवियन प्लेट्यू जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, मोस्ट प्लेट्यूज आर इन ड्राई रीजन्स एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स, और जो अधिकांश जो प्लेट्यू होते हैं वो सूखी एरिया में होती है। ओके, सूखी एरियाओं में होती है, और क्या बोलते हैं, सूखी एरिया में होती है पहाड़ों की साइड में। ओके, पहाड़ों की साइड में होती है जहाँ पे मतलब हवाएं चलती हैं पर बारिश बहुत कम होती है। ओके, लीवर्ड साइड का मतलब होता है द पहाड़ी इलाका जहाँ पे मतलब हवाएं चलती हैं। ओके, है ना, द साइट ऑफ माउंटेन दैट इज सेल्टर्ड फ्रॉम विंड्स, इसका मतलब। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। देखो हाई अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई। ओके ऊंचाई, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो जो कि पठार समतल एरिया और मैदानी एरिया से ऊंचाई पे होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, वहाँ की जलवायु जो मौसम होती है वो ठंडा होती है। ओके और आप कई लोग मैनपाट गए होंगे घूमने के लिए, अगर मैनपाट गए होंगे तो आप लोग अनुभव किए होंगे, गर्मी में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा कूलनेस महसूस होगा। ओके तो इस तरह का क्या है वहाँ का जलवायु और मौसम पाया जाता है। ओके तो हमारे छत्तीसगढ़ या हमारे सरगुजा ज़िला में ये मैनपाट ही एक प्लेट्यू है। ओके मेनी प्लेट्यूज हैव डीप केओन्स ऑन देयर सरफेस। द ग्रैंड केओन्स इन द कोलोराडो प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल, है ना। केओन्स क्या होता है, ये एक बहुत ही गहरा घाटी होता है ना, डीप वैली होता है, ठीक। और उसके आजू बाजू या दोनों साइड बड़े बड़े चट्टान होते हैं। ओके उसको कहते हैं केओन्स। द ग्रैंड केओन इन द कोलोराडो प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल, है ना। तो ग्रैंड केओन ये कोलोराडो प्लेट्यू पे मतलब पाया जाता है, जो कि एक केओन का एग्जाम्पल है। ओके अब देखते हैं प्लेट्यूस का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके प्लेट्यूस का क्या इम्पोर्टेंट है। प्लेट्यूस हैव ग्रासलैंड ऑन विच कैटल एंड शीप आर रेड। तो पठार का भी महत्व है। ओके यहाँ ग्रासलैंड्स हैं, मतलब घास की मैदानें होती हैं, जहाँ पे कैटल मतलब जानवर, गाय बैल भेड़ बकरी ये सब होता है। ओके को मतलब पाला जाता है ना, पशुपालन की जाती है। तो इस तरह का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि घास का मैदान पाया जाता है, जो कि जानवरों के लिए अच्छा है। सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। और कई प्लेट्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ पाया जाता है। ओके उदाहरण के लिए लीजिए ना, यहीं पे हमारे सरगुजा के ये मैनपाट को ही लीजिए। मैनपाट में क्या मिलता है, मैनपाट से क्या मिलता है खनिज, वहाँ पे हमको बॉक्साइट मिलता है। ओके तो वो खनिज पदार्थ है। ओके तो इस तरह से हर प्लेट्यू में कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ पाया जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू आर गेटिंग इट एंड फॉलोइंग मी। ओके नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, दैट इज प्लेन्स। अ प्लेन इज अ फ्लैट एंड लो लाइक लैंड सरफेस। आप सबों को याद होगा मैं पिछले एक दो लेसन या उसके पहले में होमवर्क भी दिया था, व्हाट इज प्लेन्स, व्हाट इज प्लेट्यू ऐसा करके। ओके तो उसमें बहुत सारे लोग लिखे थे अ प्लेन इज अ फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस। ओके तो प्लेन मैदानी भाग है। ओके जो कि पहाड़ों या तो पठारों से नीचे रहता है। ओके उसको कहते हैं प्लेन। और ये प्लेन है तो प्लेन सारे तरफ मतलब प्लेन रहता है, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होता है। ओके उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स, और इसको लो लैंड्स कहते हैं क्योंकि पठार और पहाड़ से नीचे में रहता है, इसलिए उसको लो लैंड्स कहा जाता है। ओके दे कैन बी लेवल और स्लाइटली हाईली, द स्लोप्स ऑफ द लैंड इज जेंटल। और ये लो लैंड ये
मतलब लेवल भी हो सकते हैं या तो हल्का सा मतलब हिली एरिया भी हो सकता है। ओके, और ये प्लेन की जो स्लोप होती है ये बहुत ही मतलब जेंटल होती है। ओके, जहाँ पे मतलब हर चीज़ों की सुविधाएं हमें मिल सकती है। ओके, इसलिए प्लेन एरिया में लोगों की जनसंख्या, लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पठारों और पहाड़ी इलाकों में प्लेन या मैदानी इलाकों से बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। ओके, प्लेन्स में भी फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर्स एज इन द केस ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये मैदानी इलाका का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये कैसे बनते हैं, है ना, कैसे बनते हैं। जैसे हमने देखा है नॉर्थन प्लेन्स में क्या होता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ जो बहती हैं ये अपने साथ में बालू, मिट्टी और क्या है घास फूस के सड़े गले खाद्य पदार्थ अपने साथ बहा के लाती है और नदी के किनारे उनको छोड़ देती है। ओके, तो इस तरह से क्या है ये मैदानी इलाका का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। ओके, रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद देम। When the rivers slow down, these materials are deposited on their banks. Plains are formed by these deposits. और इसी तरह से ये नदियाँ जो कि अपने साथ बालू, मिट्टी, कंकड़ पत्थर या घास फूस के सड़े गले पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो कि बहा करके अपने साथ लाती हैं, और जहाँ नदी की बहाव धीरे होती है, कम होती है, वहाँ ये मिट्टी और खाद्य पदार्थ ज़मीन में रुक जाती हैं। ओके, है ना, और ये नदियों के किनारे ये मिट्टी और ये खाद्य पदार्थ रह जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्लेन एरिया जो है ये इन्हीं चीज़ों से मतलब डिपॉजिट हुए रहते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, सम प्लेन्स आर इन इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट्स वाइल सम आर नियर द कोस्ट। और कुछ मैदानी इलाका जो कि है कंटिनेंट के थोड़ा सा घुस करके रहता है। ओके, और कुछ जो होती हैं जो कोस्टल एरिया के किनारे होती है। ओके, कोस्टल कोस्ट मतलब तटवर्तीय, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। ओके, इस तरह से प्लेन्स आर मोर थिकली पॉपुलेटेड दैन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। देखो, मैं अभी अभी बताया कि ये मैदानी इलाका है, पहाड़ी और पठार इलाका के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा मतलब आबादी रहता है। ओके, लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं प्लेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, प्लेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल विच इज सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑन द प्लेन्स। देखो, ये मैदानी इलाका जो होती है, मैदानी इलाकाओं की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ होती है। ओके, और हमारे इतिहास के जो अधिकांश सभ्यताएं हैं, है ना, जैसे मोहन जोदड़, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जहाँ से मतलब एक शुरुआत हुआ लोगों का रहने और अपना जीवन यापन करने का, ये सारी सभ्यताएं जो कि इन्हीं प्लेन से हुआ है जो नदी के किनारे बसा है। ओके, जैसे सिंधु घाटी, ये सिंधु नदी के किनारे ही है। ओके,
और मोहनजोदड़ो ये सारे चीज़ ओके। क्योंकि पहले के जो लोग रहते थे वो जहाँ जहाँ मतलब क्या है पानी के स्रोत हैं और रहने लायक चीज़ें हैं, जैसे इंसान के लिए मतलब जो आवश्यक चीज़ें मिल सकती है उन्हीं इलाकों में जा कर के वे बसते थे ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स। तो देखो अधिकांश जो देश की बड़े शहरें हैं और टाउन्स हैं वो मैदानी इलाकों में ही बने हुए हैं ओके। मैदानी इलाकों में ही बने हुए हैं ठीक है। ये बड़े सिटी और टाउन्स कहीं पठार और पहाड़ी इलाकों में नहीं हैं। सारे बड़े बड़े शहर बड़े बड़े टाउन्स जो हैं ये मैदानी इलाकों में ही बसे हुए हैं ओके। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स रेलवेज एरोड्रोम्स एंड कैनल्स इन द प्लेन्स। और इसीलिए मैदानी भाग में रोड का निर्माण करना या तो रेलवे ट्रैक बनाना या तो हवाई अड्डा बनाना या कैनल नहर बनाना ये बहुत आसान हो जाता है ओके। और ये सारे सुविधाएं हम प्लेन एरिया में ही पा सकते हैं ओके। रोड्स प्लेन एरियाज में ही पाए जाएंगे अधिकांश। जैसे अगर कोई भी दार्जिलिंग गया हो है ना घूमने, दार्जिलिंग गया हो तो हम कुछ ही दूर तक ट्रेन से जा सकते हैं ओके। ट्रेन से जा सकते हैं, ऊपर जाने के लिए हमको रोड से ही जाना पड़ेगा ओके। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हम रेलवे कंस्ट्रक्शन या रेल की पटरी नहीं बना सकते हैं ओके। तो इस तरह से मतलब प्लेन्स का इम्पोर्टेंस है ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग मी। सो आफ्टर लिसनिंग माई वीडियो यू डू द चेक पॉइंट इन योर बुक एंड सेंड टू मी इन द व्हाट्सएप इन द ग्रुप फॉर द करेक्शन। थैंक यू।